नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे YouTube चैनल RBC ऑनलाइन क्लासेस पर। तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं फिर से आप लोगों का, खुशामदीद करते हैं, GIN कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी आज ही मेरे प्यारे साथी, जितने भी आप लोगों के साथी हैं, आज आप लोगों ने खूब मस्ती मारी होगी लगता है ना, क्योंकि आज 25 दिसंबर है हमारा। मेरी तरफ से आप लोगों को बेटा जी मेरी क्रिसमस, सभी को दोबारा फिर वापस आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्रिसमस दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से बेटा जी। जी हाँ, ना मैं फूल भेजता हूँ और ना कुछ और भेजता हूँ, बस मैं तो अपने सच्चे दिल से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी क्रिसमस पर हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। तो बेटा जी सभी को मेरी तरफ से आने वाले नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं हो मेरी तरफ से, और ये क्रिसमस डे पर भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हो, जरूर आएगा बेटा जी। सेंटा कॉलेज आप लोगों के पास में भी जरूर आएंगे है ना, उपहार लेने के देने के लिए जरूर आएंगे आपको। तो बेटा जी आज आप लोगों ने स्टडी की होगी कि नहीं की होगी वो तो मुझे नहीं पता। वैसे अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ये आने वाले 5-6 दिन के अंदर हमारे विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, काफी सर्दियां भी आ रही होंगी। कोई तो लगता है जल्दी रजाई में घुस जाता है, कोई रजाई के अंतर्गत बैठे बैठे पढ़ता रहता है ना। तो बेटा जी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानियां हम लोगों को भी आती हैं, परेशानियां सबको आती हैं। तो सर्दी के अंदर मौसम भी काफी अच्छा होता है, पढ़ने का भी मौसम अच्छा होता है, खाने पीने का, मतलब घूमने फिरने का, मतलब चारों तरफ से कोई भी चीज देख ली जाए आप लोगों को, मतलब सर्दी का मौसम बदला सुहावना रहता है ना। तो इसी मौसम के साथ में गर्म गर्म चाय के साथ में, गर्म गर्म कचौड़ी समोसे के साथ साथ में आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी भी करती रहनी है, पढ़ते हुए भी रहना है आप लोगों ने, है ना। कहीं यू ना हो कि मेरी तरह आप लोग दोपहर में आराम से 10 बजे उठो, हाँ 10 बजे ना, ऐसे नहीं उठना आप लोगों को। बिल्कुल मेरे तो बस आदत है कि इस प्रकार से आराम से उठने की, लेकिन कई बार मैं जल्दी भी उठ जाता हूँ, ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, लेकिन टाइम के साथ में उठा करो आप, है ना, क्योंकि आप तो मैं बिल्कुल नौजवान हो आप, है ना, एनर्जेटिक बिल्कुल भरी पड़ी है आप लोगों के अंदर, तो उसी जोश जुनून के साथ में जल्दी उठना है आप लोगों को। तो बेटा जी शुरुआत करने से पहले मेरी क्रिसमस, मेरी तरफ से दोबारा फिर आप लोगों को क्रिसमस का यह प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियां अपार, सांता क्लॉज आए आपके द्वार, शुभकामनाएं हमारी करे स्वीकार। जी हाँ, जो बेटा जी आप लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल के साथ में आप लोगों को मैं मेरी क्रिसमस बोलता हूँ। तो ये त्योहार है सभी पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है ना, तो ऐसा कोई त्योहार नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम लोग सेलिब्रेट ना कर सकते, लेकिन सेलिब्रेट तो करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन हर त्योहार को हमें एक ही नजरिए से देखना चाहिए, है नहीं। तो आइएगा बेटा जी शुरुआत करेंगे दोबारा वापिस आप लोगों को। तो बेटा जी मैं तो कुछ उपहार आप लोगों के लिए लेके नहीं आया, लेकिन देखते हैं नव वर्ष पे कुछ आरबीसी के द्वारा कुछ भी नया सोचा जाएगा आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए। हाँ, लाइव क्लासेस भी जरूर रखा जाएंगी आप लोगों की, मैं इतना सा ला सकता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अब सेंटा की तरह तो मैं है ना पोटली के अंतर्गत कोई उपहार वगैरह ला नहीं सकता, मैं बस इतनी चीजें ला सकता हूँ कि जल्दी ये चैप्टर अपने फिनिश करने के बाद में फिर अपने लाइव सेशन भी शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के लिए। तो आइएगा शुरुआत करते हैं कल की क्लास को, जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल आप लोगों ने मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिया था मैंने, तो उस न्यूमेरिकल को तुम लोगों ने तसली के साथ में डिस्कस कर लिया होगा लगता है ना। तो आज उसी के साथ अपने चलेंगे इसके आगे। तो जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था उसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो शुरुआत करें, कल का न्यूमेरिकल तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया था कि नहीं कर लिया था, जल्दी से फटाक से बताओ। हाँ कल संडे है, कल अपनी छुट्टी रहेगी, हाँ जल्दी से बताओ मुझे बेटा जी आप लोगों का कल का जो क्वेश्चन था वो कल वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने तसल्ली के साथ में सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया। हाँ ये अंदर रहता है, इसको मैं कॉलर को बाहर कर लेता हूँ ना, अब ठीक लग रहा हूँ क्या, चलो आ जाओ। तो देखिए बेटा जी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज क्या स्टार्ट करेंगे, आज ना स्टार्ट करने से बेटर ये कि आज अपने पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं आज, है ना, आज अपना ये ठीक रहेगा बैकग्राउंड, ठीक है जी, आ जाओ। ब्लैक तो अजीब सा लगेगा। जी हाँ आज मतलब 25 दिसंबर है ना, हाँ 25 दिसंबर है ना, तो मतलब ये बड़ा छोटा दिन होता है, बड़ा दिन नहीं होता, ये बड़ा दिन होता है बहुत, है ना। तो बड़ी मुश्किल से गया होगा लगता आप लोगों का, सुबह पता नहीं कितने बजे उठे थे, अभी तक अपना दिन खत्म ही नहीं हुआ, है ना। तो 25 दिसंबर का पूरा बड़ा दिन होता है ना, पूरे साल का बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर, जब ये बड़े दिन हो चुके हैं हमारे, है ना शुरू। तो इसमें
चंदा मामा काफी लेट आया करेगा और सूरज चाचू बहुत लेट जाया करेंगे, है ना। तो हमारे पास में इतने बड़े बड़े दिन है, हमारे पास में रातें छोटी छोटी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दिन के अंतर्गत हम लोगों को बड़ी बड़ी पढ़ाई करनी है, है ना। आ जाओ तो आइए बेटा जी, शुरुआत करेंगे अपने। कोई बात नहीं, बस आज आप लोगों को, कल अपने दोबारा वापस उसी बोर्ड पे आ जाएंगे, आज अपने ये बोर्ड लेते हैं अपने। आ जाओ तो आइएगा, शुरुआत करते हैं कल की क्लास को, अब उसके आगे लेके चलते हैं अपने। कल की क्लास में तुम लोगों ने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था कि नहीं कर लिया था, जल्दी से बताओ। कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी। हाँ, क्या दिया था कल न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को? हाँ, ये दो दिए थे मैंने आप लोगों को ना। हाँ, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ आप लोगों के बेटा। तो देखो, 400 नैनोमीटर है, उसको पहले आपने उसमें चेंज करना है, सॉरी नैनोमीटर को, तो माइनस में 9 आ जाएगा हमारे, ये मीटर में चेंज कर दिया हमने। फ्रीक्वेंसी याद करनी है, तो फ्रीक्वेंसी तुम लोगों को पता है, v बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, है ना। c की वैल्यू तुम लोगों को पता है बेटा जी कितनी आ गई है, इतनी होती है, अपॉन में ये कौन है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 10 की पावर में -7, ऊपर चला जाएगा बेटा जी, तो ये आ जाएगा 3 upon 4 × 10 की पावर में आ जाएगी 15। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आप लोगों की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सेकंड इनवर्स। कर लिया था कि नहीं कर लिया था? आसान, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे तुम लोग उसके लिए याद कर सकते हो सबके। अच्छा, वेव नंबर तुम लोग निकाल सकते हो, वेव नंबर v बराबर क्या होता है, 1 upon लैम्डा होता है। सो v बार इज इक्वल टू 1 upon लैम्डा, लैम्डा कितना दिया 400, तो ये आ जाएगा बेटा जी 4 × 10⁻⁺ × 10⁻⁹ ये कट जाएगा, -7 बचेगा, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 0.25 × 10⁻⁷ देखो इतनी आ रही कि नहीं आ रही इतनी, तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एनर्जी निकाल, टाइम निकाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आइए आपने वापस लौट के आते, तो शुरुआत करेंगे अपने आज इसी के साथ में। हाँ जी, तो हेडिंग डालिए बेटा जी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेचर देखेंगे आज अपने ना। आ जाओ तो कुछ बातें बताता हूं आपको मैं। जनरली कुछ घटनाएं ऐसी हैं, है ना, डिफ्रेक्शन हुआ, विवर्तन, व्यतिकरण, कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जैसे मान लो मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि अपने क्या करें, यदि विकिरण की प्रकृति को तरंगीय माना जाए, मान लिया हमने कि उसका नेचर इस प्रकार से है, ये है ना, ये नेचर है बेटा, तरंगीय है, तरंगों के रूप में है ना। इफ द नेचर ऑफ द रेडिएशन, इफ द नेचर ऑफ रेडिएशन इज वेव, वेव्स है ना, नहीं ऐसे लिखेंगे, एज ए वेव्स ये लिखेंगे, एज ए वेव्स, यानी कि अगर रेडिएशन की अपने बात करें, है ना, विकिरण जो है उस रेडिएशन की अगर नेचर अपने मान लें वेव्स के रूप में, कि किरणें तरंगों के रूप में चलती हैं, तरंगों के रूप में, किसके रूप में, तरंगों के रूप में चलती हैं, है ना। तो अगर तरंगों के रूप में चलती हैं तो अपने क्या कर सकते हैं, तो अपने बेटा जी व्यतिकरण, है ना, और वह विवर्तन
विवर्तन, ये जो घटनाएं हैं हमारी है ना, इनको एक्सप्लेन कर सकते, घटना को, घटनाओं को, घटनाओं को समझा जा सकता है, इन घटनाओं को आप लोग समझ सकते हो, है ना। हाँ, अगर क्या करें, दोबारा सुनो, अगर अपने किरण, किसी किरण की प्रकृति को तुमने मान लिया एज ए तरंग के रूप में गति कर रही है, तरंग के रूप में, है ना। तो बेटा जी जैसे रिफ्लेक्शन हुआ है ना, रिफ्लेक्शन, परावर्तन हुआ, विवर्तन वगैरह, ये व्यतिकरण वगैरह, इन घटनाओं को समझने के लिए इस नेचर को तरंगी माना जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन घटनाओं को अगर हमने एक्सप्लेनेशन करना है तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए रेडिएशन के नेचर को तरंगीय मान लिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचर में होने वाली कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिनको हम लोग समझाने के लिए रेडिएशन के नेचर को वेव्स के रूप में नहीं मानना पड़ेगा, तरंगों के रूप में नहीं मान सकते अपने। मान लो कुछ घटनाएं ऐसी हैं, लेकिन 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 कुछ घटना घटनाओं को तरंगीय प्रकृति द्वारा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, समझाया नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता बेटा जी? समझाया नहीं जा सकता। देखो काफी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। कुछ घटनाएं ऐसी हैं है ना, रिफ्लेक्शन हुआ, ये जो घटनाएं जो है, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इन घटनाओं को एक्सप्लेनेशन करने के लिए अपने रेडिएशन के नेचर को तरंग के रूप में मान सकते हैं कि हाँ रेडिएशन तरंगों के रूप में चलती है। बट हम सभी घटनाएं, जितने भी फिनोमिनोन हो रहे हैं नेचर में, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सभी घटनाओं को एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम हमेशा इन की प्रकृति को तरंगीय नहीं मान सकते। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसके नेचर को पार्टिकल्स के रूप में मानना पड़ेगा, कणीय प्रकृति माननी पड़ेगी हम लोगों को, कणों के रूप में, कि ये जो रेडिएशन है ये कणों के रूप में गति करता है, कणों के रूप में, है ना, ऐसे। तो बेटा जी कुछ घटनाएं कौन कौन सी हैं? हाँ, जैसे कृष्णिका है ना, कृष्णिका सिद्धांत, ब्लैक बॉडी, कृष्णिका विकिरण लिख सकते हो आप, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, चिंता मत करो, बताएंगे आपको। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, इसको तुम लोग तरंगों के रूप में नहीं बता सकते, और विद्युत प्रकाश, विद्युत प्रभाव है ना, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ इफेक्ट है दो, मैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब, तो रेडिएशन
रेडिएशन के नेचर को एज ए वेव्स के रूप में नहीं मानना पड़ेगा हमें, हमें उनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें प्रकृति को, नेचर को कणों के रूप में मानना होगा। जी हाँ, कणों के रूप में, है ना। कैसे, आओ पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। पहले अपने बात करते हैं बेटा जी कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं अपने, है ना। तो आइएगा, तो अगली अगर हेडिंग डालना चाहें तो अपने लिख सकते हैं बेटा जी, कृष्णिका विकिरण यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ, तो होता क्या है, कोई ब्लैक चीज है, पालो ना बेटा, ये लो, ये दिख रही ब्लैक बॉडी, ये लो, ऐसे क्या हो जाता है, ये लो, ये बना दिया अपने ब्लैक बॉडी, ये लो, ठीक है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, एक बार आप इसको छोड़ो, फिर मैं आपको पहले एक अलग चीज बताता हूं। मान लो लोहा है ये यार, है ना, एफ ई है लोहा, आयरन है आयरन, ठीक है जी, लोहा है मान लो। अच्छा लोहे को तुम लोग करो ताता, ताता मतलब समझते हो क्या, हाँ ताता का मतलब है गर्म करो, गर्म यार, हीट करो इसको, हीट दो, गर्म करो आप इसको, हाँ। जब अपने इसको हीट करते हैं लोहे को तो क्या होता है बताओ, हाँ, हीट करो लोहे को तो क्या होता है वो, हाँ, तो पहले वो बेटा जी लाल कलर का हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मान लो ऐसे होगा पहले वो, ये लो ऐसा हो जाएगा वो, होगा कि नहीं होगा, हाँ, थोड़ा लाइट लिखता हूं मैं यहां पे, लाइट रेड कलर, और थोड़ा लाइट कलर, रेड कलर आई है, रेड कलर बनाऊंगे प्रॉपर तरीके से यार, ये लो दिख रहा है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल लाइट रेड कलर आई है, अरे पिंक कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर ऐसे, पिंक ऐसा नहीं, ऐसे रेड कलर है, बहुत लाइट रेड कलर है ये लो, क्लियर है। हाँ, ये पहले लोहा था, कैसा था, लोहे को कैसे बनाए अपने बताओ, मान लो लोहा था यार, ये लो कैसे बना देते अपने, ठीक है ना, लोहा जैसा भी था, ये लो उसको हीट किया तुमने पहले, वो लाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है जी, लाइट कलर का। अच्छा फिर इसको हीट करो, फिर हीट करो, फिर टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, अब क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा बेटा जी बिल्कुल रेड कलर का है या नहीं है, हाँ बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा, है ना, डार्क डार्क रेड कलर का हो जाएगा। अच्छा फिर हीट करो उसको आप, फिर हीट करो, फिर हीट किया हमने, अब कैसा हो जाएगा, हाँ अब जब हीट करेंगे अपने बेटा जी, अब ये थोड़ा ब्लू कलर का हो जाएगा, हाँ ब्लू कलर का, ब्लू कलर का हो जाएगा, बिल्कुल होगा, हाँ। अच्छा फिर हीट करो इसको, फिर हीट करो, अभी पिघलेगा नहीं, फिर हीट करो, फिर बढ़ा दो इसको टेम्परेचर, अब इसका फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब बेटा ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, हाँ वही चीज हो रही, व्हाइट कलर की हो जाएगी, व्हाइट कलर का हो जाएगा। अच्छा फिर तुम लोग इसका हीट बढ़ा दो, फिर हीट बढ़ाओ, अब ये मेल्ट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पिघलने लग जाएगा, है ना, गलन, अब इसका गलन होने लग गया। देखो टेम्परेचर तुम लोगों ने स्टार्टिंग से बढ़ाते गए, पहले वो लाइट रेड कलर का हुआ, फिर डार्क रेड कलर का, फिर वो ब्लू कलर का हो गया, ब्लू कलर के होने के बाद में फिर वो व्हाइट कलर का हो गया, फिर जाकर के वो मेल्ट होगा, फिर पिघलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम लोग इसको गर्म करोगे तो पहले ये थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, जब वो हाथ लेके जाके देखोगे तो थोड़ा कम गर्म लगेगा, इसके पास में लाके जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा लगता है गर्म, तो सोचो इनके पास में लेके जाएंगे तो ये कितने गर्म होंगे,
बहुत ज्यादा गर्म होंगे, इसका मतलब हम इसको हीट दे रहे हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, और ऊर्जा को अवशोषित करने के साथ साथ मुझे लगता है ये जब हाथ पास में लेके जाओगे तो मेरे पैर रसगुल्लो हाथ गर्म होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये एनर्जी को रिलीज भी कर रहा है, ऊर्जा अवशोषित भी कर रहा है, जिसकी वजह से पहले वो लाइट कलर का, फिर वो हल्का रेड कलर से डार्क रेड कलर का, फिर ब्लू कलर का, एंड एट लास्ट व्हाइट कलर का हो गया। मतलब जब किसी पदार्थ को अपने हीट देते हैं तो वो ऊर्जा को अवशोषण कर रहा है, ऊर्जा को अवशोषित करने के साथ साथ में वो ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर रहा है, ऊर्जा का रिलीज भी कर रहा है या नहीं है, बात समझ आई कि नहीं आई। बस उसी के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी? अरे किधर चला गया, वापिस आ जाओ, ये रहा। तो जब अपने किसी वस्तु को बेटा जी अपने क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट दे दी मैंने इसको, हीट दी मैंने इसको किसी भी ब्लैक बॉडी को, ब्लैक बॉडी इसलिए लेते हैं क्योंकि बेटा जी तुमको पता होगा कि जो ब्लैक कलर की जो चीज होती है वो एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, है ना, एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो इसको मैंने हीट दी है बेटा, ठीक है ना, तो इसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अवशोषण किया इसने, ऊर्जा को अवशोषित कर लिया इसने, और जैसी ऊर्जा को बेटा ये अवशोषित करेगा तो तुम्हें पता है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा तुम्हें पता है यहां से ऊर्जा रिलीज भी करेगा, ये तुम्हें पता है, ये है या नहीं है, हीट बोले तो ऊष्मा उत्सर्जित भी करेगा, ये रिलीज भी करेगा, हाँ इमिट भी करेगा ये। मतलब जब किसी ब्लैक बॉडी का मतलब है, जब किसी कोई भी वस्तु को जब हम लोग टेम्परेचर हाई करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट देने पर वो वस्तु क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी हीट बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, और हीट बढ़ने के साथ साथ में वो क्या करती रहेगी, ऊष्मा का उत्सर्जन भी करती रहेगी, हीट को इमिट भी करती रहेगी, उत्सर्जित भी करती रहेगी, है या नहीं है, उत्सर्जित भी करती रहेगी। जो उसने ऊष्मा को अवशोषण किया और जो ये ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है, जो उसने ऊष्मा का अवशोषण किया और जो ये ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है बेटा जी, ये करती है कणों के रूप में, कणीय प्रकृति के आधार पर बता सकते हैं इसको, अपने तरंगीय प्रकृति के आधार पर नहीं बता सकते। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे बहुत काफी जाने माने, प्लांक, है ना, तो प्लांक ने बेटा जी, प्लांक ने क्या दिया, प्लांक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की कणीय प्रकृति को बताया, कणीय, आगे बात समझ में, कणीय प्रकृति के रूप में बताया, और उसने क्या बोला, इसी में लिख दूं क्या मैं, हाँ इसी में लिख देता हूं मैं, ये लो इसी में लिख देता हूं मैं, जब क्या करें अपने, जब किसी वस्तु को ताप एंड गर्म, ताप बढ़ाते हैं तो वस्तु ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण करती है, तथा उष्मा का उत्सर्जन भी करती है या नहीं है, उत्सर्जन भी करती है, है ना, उत्सर्जन भी करती है, इसी को समझाने हैं तो एक कौन था साइंटिस्ट हमारा, प्लांक, है ना, प्लांक ने कणीय प्रकृति सिद्धांत दिया, कणीय प्रकृति सिद्धांत दिया,
क्लियर है बात। अब वो कणीय प्रकृति के सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, सिंपल सी बात है, दो तीन चीजें बताई, अगर लिखना चाहो तो लिख लो बेटा जी। बीच में आ गया हमारा, ये बीच में आ गया, प्लांक का कणीय प्रकृति सिद्धांत क्या था? हा? इसने कहा वस्तु द्वारा ऊर्जा कहूं या ऊष्मा कहूं, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, उत्सर्जन कणों के माध्यम से होता है, कणों के माध्यम से होता है, ठीक है जी, कणों के रूप में नहीं होता, ये कणों के माध्यम से होता है। पहली बात इसने ये बात बोल दी। अच्छा इंग्लिश में लिख लेना बेटा जी आप लोग, when any substance absorb or release the energy, then absorb and release energy as a particles form. किसके रूप में? As a particles के form में release होती है या अवशोषित होती है। अच्छा दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो अवशोषण होगा ना बेटा, अवशोषण जैसे अभी तुम लोग गर्म कर रहे थे, वो लोहा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था, अवशोषण या उत्सर्जन जो होगा, उत्सर्जन वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं, ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन और जो इमिट करेगा ये है ना, वो डिसऑर्डर फॉर्म में होता है बेटा जी, एक फिक्स फॉर्म में नहीं होता, डिसऑर्डर फॉर्म में रहता है, कंटिन्यूसली नहीं रहता है, ये अनकंटिन्यूसली रहता है, ध्यान रखना। तो उत्सर्जन अवशोषण सतत न होकर, सतत न होकर असतत रूप में होता है, ये ध्यान रखना, मतलब कंटिन्यूसली नहीं होता, ध्यान रखना है ना, डिसकंटिन्यूसली के रूप में या फिर अनकंटिन्यूसली के रूप में होता है ये, मतलब जो अवशोषण होगा या जो उत्सर्जन होगा ना बेटा जी, वो एक कंटिन्यूसली ना होकर के अनकंटिन्यूसली के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन या एनर्जी को इमिट किया जाएगा, है ना, ये बीच में आ गया था। और ये जो थ्योरी हम लोगों ने पहले पढ़ी थी ये थी बेटा जी ब्लैक बॉडी थ्योरी। अब ब्लैक बॉडी थ्योरी में क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो पहले एनर्जी उसकी बढ़ती है, अवशोषण करता है, अवशोषण करने के बाद वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जो ऊर्जा अवशोषण कर रहा है या उत्सर्जन कर रहा है, रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बेटा जो एज पार्टिकल फॉर्म में करता है, ऐसा तो है नहीं कि वेव्स के रूप में फॉर्म करता है। इसलिए ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए हम लोगों को रेडिएशन की नेचर वेव्स के रूप में ना मानकर हमें वेव्स के स्थान पर हमें पार्टिकल के फॉर्म में मानना पड़ेगा। ये थी हमारी ब्लैक बॉडी, क्लियर है बात। अच्छा ब्लैक बॉडी के बाद में दूसरी घटना का नाम आया था कौन सा, फोटो, ये देखो फोटो, ये दिस इज द फोटो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा जी, अब इसको देख लेते हैं अपने, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जरा देखते हैं अपने। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अब ये क्या होता है बेटा जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर समझाऊं मैं बेटा जी तो आप लोगों के सामने, मैं जरा देखिएगा जरा सामने, ये लीजिए, ये कोई हमने एक चैम्बर बना दिया, ठीक है जी, इधर लगा दिया हमने बेटा जी एनोड, कोई दिक्कत नहीं, इधर हमने कोई स्पेसिफिक मेटल ले ली, ये लो ये बनाते हैं अपने से, ये मेटल ले ली मैंने, ये कौन है, ये मेटल है, कौन सी, पोटेशियम हो सकती है, सीजियम हो सकती है, रूबीडियम हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, हाँ कोई सी भी लो आप। अच्छा अब क्या करते हैं अपने, इसको बेटा जी आगे किसी वोल्ट मीटर के साथ में, जिसके साथ में भी आपने को कनेक्ट करवाना है उसके साथ में अपने कनेक्ट कर देंगे यहां पे। अब देखो अब क्या हो रहा है,
वही हो रहा है जो मंजूर है, खुदा हो रहा है व्हाइट कलर से। अब मैंने क्या किया, लाइट जो प्रकाश है बेटा जी, है ना, उस लाइट को इसके ऊपर डाला मैंने यहां पे ऐसे, लाइट को ये लो, लाइट को हमने इस मेटल पे डाला यहां पे, लाइट डाल रहा हूं मैं, ये लाइट है, ये देखो हाँ सनलाइट हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल जो तुम लोगों की घरों में लगी हुई जो लाइट है वो है, नहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ही हमने ये लाइट इसके पास में डाली, इस पर डाली हमने, ये कौन है, ये मेटल है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, ऐसी जैसे ही डाली तो वैसे ही ये क्या करेगा, ये क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जैसे ही ये यहां पे टकराएगी, टकराने पर ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये हमारा एनोड है बेटा, एनोड है ये। अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, बताओ हाँ, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इसके पास के नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस आवेश होता है और एनोड पे प्लस आवेश होता है, माइनस वाला प्लस के पास में जाएगा। तो जब हम किसी लाइट को मेटल पे हम लोग डालते हैं, है ना, पास करते हैं, तो जैसे ही वो लाइट मेटल पे टकराएगी, मेटल पे टकराने के बाद मेटल में पाए जाने वाले एटम जो है वो एक्साइटेड हो जाएंगे, और जैसे ही लाइट टकराई वैसे इस एटम के पार्टिकल्स एक्साइटेड हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद में वैसे उस मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव, धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और निकल जाने के बाद में किधर गति करेंगे बेटा जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, बोले तो एनोड की तरफ गति कर रहे हैं, है नहीं। जब एनोड की तरफ गति करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ विद्युत धारा का मान आ जाएगा इसमें। मुझे बताओ क्या तुमने यहां पे किसी बैटरी को कनेक्ट किया क्या, नहीं किया। हमने जैसे ही ये लाइट को हमने इस मेटल के ऊपर टकराया, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो जैसे ही मेटल पर ये लाइट टकराती है उसी टाइम, टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं लगता ध्यान रखना, बस उसी टाइम जस्ट टाइम वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, उधर गति करेंगे एनोड की तरफ, तो उस वोल्टमीटर में क्या फ्लो होने लग जाएगी, विद्युत धारा फ्लो होने लग जाएगी, क्या फ्लो होने लग जाएगी बेटा जी, विद्युत धारा फ्लो होने लग जाएगी। बात आगे समझ में, विद्युत धारा का फ्लो होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। हाँ अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये डिपेंड करेगा तुमने लाइट की तीव्रता कितनी रखी है। जितनी ज्यादा हम लोग लाइट डालेंगे, जितनी ज्यादा लाइट डालेंगे उतनी ज्यादा ये क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये आराम से गति करेंगे, क्या आराम से गति करेंगे, बिल्कुल ये आराम से गति करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जी आप लोग कितनी तीव्रता, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाल रहे हो, है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की गति को चेंज नहीं करती, ध्यान रखना। मैं दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, हाँ, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहली बात। इलेक्ट्रॉन की गति उस तरफ हो रही है तो यह इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती। लो तीव्रता वाली, कम तीव्रता वाली अगर तुम लोगों ने लाइट डाली है तब भी वो उसी गति से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ज्यादा तीव्रता वाली अगर तुम लोगों ने लाइट डाल दी तो नो डाउट इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो निकलेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्टेड नहीं आएगा, आगे बात समझ में। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गति करते हैं और इसमें कुछ विद्युत धारा प्रवाह होने लग जाती है, इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लिखना चाहो तो बेटा जी लिख लो जल्दी से, मैं लिख देता हूं। जब क्या करें, जब प्रकाश को किसी सक्रिय धातु जैसे पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पर
डालते हैं तो प्रकाश की तीव्रता के कारण तुरंत इलेक्ट्रॉन धातु से क्या हो जाते हैं, निष्कासित होकर किस तरफ मूव करते हैं बेटा जी, एनोड की तरफ। गति करते हैं फलतः इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रभाव कहते हैं। अच्छा, विशेष बातें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की किस पर निर्भर करती है बेटा जी, तीव्रता पर निर्भर करती है, आवर्ती पर नहीं। ध्यान रखना ये है ना, ज्यादा तीव्रता वाला अगर हम लोग लाइट डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे, और ज्यादा जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बेटा जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, जबकि यह आवर्ती पर निर्भर करती है, जबकि यह आवर्ती पर निर्भर करती है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना, क्लियर है बात। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा मुझे बताओ, जैसे ही लाइट डाले उसी टाइम इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे, क्या कुछ टाइम पीरियड में कुछ चेंजिंग होगी क्या? बिल्कुल चेंजिंग नहीं होती है ना, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना वो बिल्कुल शून्य रहता। तो ये भी लिख लो बेटा जी, प्रकाश के टकराने वे इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में कोई समय अंतराल नहीं होता है। क्लियर है बात, बिल्कुल अंतराल नहीं होता। तो देखो, ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए हमने पार्टिकल्स के फॉर्म में रेडिएशन को माना, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भैया जैसी लाइट किरण वो जो है मेटल पे टकराएगी उसी टाइम वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पार्टिकल्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो इन दोनों घटनाओं के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनकी प्रकृति केवल वेव्स के रूप में नहीं होती, तरंगों के रूप में नहीं होती, जो विकिरण है विकिरण की प्रकृति कभी भी क्या नहीं होती, विकिरण की प्रकृति तरंगीय नहीं होती, तरंगियों के साथ साथ कणीय भी होती है। यानी कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं
जो तरंगीय प्रकृति से समझा सकते हो आप, और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो जो तुम लोग कणीय प्रकृति से समझा सकते हैं। इसलिए आगे जो छोटी सी हेडिंग में लास्ट एंड फाइनल डलवा रहा हूं, तो लिख लेना बेटा जी। तो कौन सी प्रकृति मानोगे? तो प्रकाश की द्वैत या द्वैत प्रकृति, द्वैत नहीं लिखेंगे अपन, द्वैत लिखेंगे। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, ये लीजिए द्वैत प्रकृति। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखो मैंने अभी आपको बताया कि रेडिएशन को हम लोग केवल वेव्स के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ घटनाएं वेव्स से समझा सकती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी आई थी जिनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें रेडिएशन के नेचर को पार्टिकल्स के फॉर्म में मानना पड़ेगा, है ना। इसलिए आज हम क्या करते हैं, आज हम लोग विकिरण की प्रकृति को द्वैत प्रकृति मानते हैं। मतलब अर्थात ये हुआ कि विकिरण या विकिरणे तरंगीय वे कणीय रूप में गति करती हैं। बात आगे समझ में, तरंगीय के रूप में और कणीय रूप में गति करती हैं। अर्थात ये अर्थात को हटाओ यहां से अपने, अब आएगा अर्थात विकिरणों की प्रकृति कैसी बेटा जी, द्वैत मानी गई है। क्यों मानी गई है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम लोग इस सिद्धांत से समझा सकते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम लोग समझाने के लिए विकिरण की प्रकृति को कणीय माना जाता है ना। इसलिए हम लोग आज के युग में हम लोग जो रेडिएशन है उस रेडिएशन की नेचर को, रेडिएशन की प्रकृति को भी ड्यूअल नेचर मानते हैं, तरंगों के रूप में और कणों के रूप में। कहा जाता है कि जब कोई ऐसे कण चलता है ना, मैं बड़ा बड़ा देता हूं ये लोग, जब कोई कण चलता ना ऐसे, कण चलता है ना बेटा ऐसे, तो जब कोई कण चलता है ऐसे, तो उसके साथ में उसकी क्या चलती है, उसके साथ में उसकी ऐसे किरण चलती है, ऐसे तरंग चलती है, ध्यान रखना ठीक है ना। उसके साथ में उसकी तरंग चलती है, जब कोई पार्टिकल चलता है उस पार्टिकल के साथ साथ में उसकी क्या चलती है, एक वेव्स चलती है, तरंग चलती है। इसलिए आज हम लोग विद्युत चुंबकीय जो विकिरणे हैं हमारी, उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की प्रकृति को कैसा मानते हैं, ड्यूअल नेचर मानते हैं हम लोग, कि तरंगों के रूप में भी गति करती है और कणों के रूप में भी गति करती है। बात आगे समझ में यहां तक, तो ये थी बातें हमारी कि प्रकाश के विकिरण की प्रकृति को कैसे माना जाएगा, ये प्रकृति के बारे में बात हुई है ना। उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी कि जो विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं, वो कितने टाइप की होती हैं, है ना। तो बेटा जी इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अगर अपने टाइप की बात में बताऊं, तो वैसे तो कई टाइप की होती हैं जो अपने अगली क्लास में तसल्ली से पढ़ेंगे बेटा जी। जैसे तुम लोगों को देखने को मिलेगा रेडियो तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, IR इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, विजिबल रेज होती हैं बेटा जी, विजिबल रेज होती हैं, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज के अलावा कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें, ये बहुत टाइप की किरणें होती हैं बेटा, है ना। इन सभी प्रकार की किरणों का लैम्डा अलग अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ये तमाम चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि विकिरण की प्रकृति क्या होती है ना, ड्यूअल नेचर होता है, तरंगीय होती है, कणीय होता है, ये तुम लोगों ने डिस्कस किया। ब्लैक बॉडी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तुम लोगों को अगर बताना हो तो तुम लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल की क्लास में अपने अब आगे डिस्कस करेंगे बेटा जी, कल तो अपना ऑफ रहेगा, मंडे को अपने आएंगे, तो अगली क्लास में अपने
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ना, इन तमाम बातों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को तो अपने यहीं पे विराम देते हैं और आना मत भूलना अगली क्लास में भी, है ना, क्योंकि अब तो तुम लोगों की छुट्टियां वगैरह हो चुकी हैं। तो छुट्टियां होने के साथ साथ में आप लोगों ने कुछ घर का काम भी करवाना है, मस्ती भी मारनी है ना, खाना पीता सब कुछ करना तो रहना अपने को, लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं है अपने को, पढ़ाई भी हम लोगों को रेगुलर करते रहना होगा। ठीक है बेटा जी, तो दोबारा वापस मेरी तरफ से आप लोगों को मेरी क्रिसमस शुभकामनाएं आप लोगों को, और मिलते हैं अपने अगले सोमवार मंडे को, है ना। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मस्ती के साथ में, नया साल भी आने वाला है। आपने जो भी नई नई प्लानिंग बनाई होगी तो बताना मत किसी को कि मैंने ये प्लानिंग बनाई हुई है ना। तो नए साल पे आप लोग अपने जो भी सोचा हुआ है उन सोची हुई चीजों को अपने पूरा करना होगा। तो मिलते हैं अपने मंडे को। जय हिंद।